नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। सबसे पहले हमारे चैनल की आप सभी से अपील है कि आप सभी डेंगू मलेरिया से अपना बचाव करें, अपने घर के पास गंदगी जमा ना होने दें, साथ ही जहां पर जल भराव है वहां पर दवा का छिड़काव जरूर करवाएं, अपने घरों में भी पानी का जमाव इकट्ठा ना करें, कूलर और मटकों का पानी भी लगातार बदलते रहें। अगर आपको किसी भी तरह की बुखार जैसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इस वक्त की खबर पर। हाथरस में खाद्य विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में डीसीएम में छिपा कर ले जाते समय खुले सरसों का तेल व पायोमल को पकड़ा है। इस छापामार कार्यवाही के बाद इस धंधे में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया। पकड़े गए माल टीम ने सीज करने के बाद माल मालिक के हवाले कर दिए। आपको बता दें कि बिना किसी भेदभाव तथा बिना दबाव के खाद्य विभाग के जनपद इंचार्ज देवाशीष उपाध्याय के निर्देशन में टीम हाथरस जंक्शन पहुंची और सिकंदरा राव रोड पर चेकिंग शुरू कर दी। कुछ समय बाद हाथरस की ओर से एक डीसीएम टेंट का सामान भरकर आती दिखाई दी, जिसको टीम ने रोक लिया और तलाशी ली तो सामान के नीचे ड्रम लड़े हुए थे और उनमें खुला सरसों का तेल और पायोमल भरा हुआ बरामद। टीम ने सैंपल लेने के बाद माल को लिखा पड़ी में माल स्वामी के हवाले कर दिया। इस दौरान ऐसे धंधे में लिप्त लोगों की भीड़ सेटिंग करने में लगी रही, मगर टीम ने किसी की नहीं सुनी। इस संबंध में जानकारी करने पर टीम निरीक्षक ने बताया कि खाद्य पदार्थों खुला तेल पायोमल आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रखे, क्योंकि यह आम जन जीवन के जीवन से खिलवाड़ करने के समान है। हमने सैंपल ले लिया है जिसको लैब को भेजा जा रहा है, रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए हाथरस से विष्णु नागर की रिपोर्ट। ये आपने आज सैंपलिंग तेलों के लिए गाड़ी में हाथरस जंक्शन पर रोके, क्या है पूरा मामला? ये हमको सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में बिना बिलते और संदिग्ध खाद्य तेल जा रहा है, उस आधार पर हमने रोक के इस पर कार्रवाई की। वो क्या पाया गया उसमें? उसमें एक ड्रम में सरसों का तेल बताया गया और 6 ड्रमों में रिफाइंड पाम ऑयल में है ना, जिसके मौके पर बिल नहीं दिए किए गए, इस कारण हमने उसको सैंपल लेके और उसको हमने ड्रमों को सीज कर विक्रेता की अवरिक्षा में दे दिया गया। कितने ड्रम है सर? ड्रम एक ड्रम सरसों का तेल है, 6 ड्रम जो है रिफाइंड पाम ऑयल में है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे ये लोग? ये हाथरस से लेके आ रहे थे और सिकंदराव के लिए जा रहे थे। तो ये खुले तेल और पावम इस पर तो प्रतिबंध लगा हुआ है ना? जी हाँ, खुला जो सरसों का तेल और उस पर जो है आपका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत और आपकी जो है आपके जिलाधिकारी महोदय द्वारा 17 अगस्त में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का और विभाग की मीटिंग की थी और उनसे मना किया गया था और उसका अल्टीमेटम उन्होंने 15 दिन दिए गए थे जो कि 30 तारीख को व्यतीत हो गए हैं। सीताराम ट्रेडर्स, हमारा पता है SBI ATM के पास मेन रोड मोड, हमारे यहाँ नेरोलैक पेंट, एशियन पेंट, पुट्टी, ब्रश, लकड़ी की पॉलिश का सामान आदि सभी प्रकार का सामान उचित रेट पर मिलता है। नक्कालों से सावधान, 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी। संपर्क करें दिए गए हमारे मोबाइल नंबर्स पर 9473932363 या फिर 8756919443। प्रॉपराइटर ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, पनारी वाले।